Now, in the season of farm loan waivers and an intensifying agri crisis, PM Modi today attacked the Congress party for its unfulfilled promises made to farmers, highlighting how in Karnataka, barely 800 farmers had gotten relief so far. भाइयों और बहनों, वोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हश्र क्या होता है, वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है. सरकार बदलते ही अब वहां खाद के लिए यूरिया के लिए कतारें लगने लगी, लाठियां चलने लगी. काले बाजार करने वाले मैदान में आ गए. कर्नाटक में लाखों किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया गया था. भाइयों बहनों, ये सच्चाई समझिए. कर्नाटक में अभी अभी कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई और कर्ज माफी का किसानों को वादा किया था, लॉलीपॉप पकड़ा दिया था. लाखों किसानों का कर्ज माफ होना था और किया कितना बताऊं? बताऊं कितना किया, कितने किसानों को लाभ मिला बताऊं? आप हैरान हो जाएंगे. बताओ, लाखों किसानों के ओ कर्ज माफी का वादा किया गया, वोट चुरा लिए गए, पिछले दरवाजे से चोरी रास्ते से सरकार बना दी गई और दिया कितनों को? सिर्फ 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 800 लोगों को. आप मुझे बताइए, ये कैसे वादे, ये कैसे खेल, ये किसानों के साथ कैसा धोखा हो रहा है, इसको आप समझिए. भाइयों बहनों, जिनका नहीं हुआ कर्ज माफी तो नहीं हुआ, लेकिन अब उनके पीछे पुलिस छोड़ दी गई है, जाओ पैसे जमा करवाओ. साथियों, तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए जो वादे किए जाते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, उनसे देश की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता. मेरा आग्रह होगा कि कांग्रेस के इस झूठ और बेईमानी से सतर्क रहिए. याद रखिए कि कांग्रेस की सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तक को लागू नहीं किया था. कांग्रेस के चलते ही किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की सिफारिश वाली फाइल बरसों तक ये कांग्रेस वाले उस पर बैठ रहे थे, बैठे हुए थे, निकालते नहीं थे. अगर कांग्रेस ने अपने जमाने में, आज से 11 साल पहले, अगर स्वामीनाथन कमीशन को स्वीकार किया होता, लागू किया होता, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देना तय किया होता, तो आज मेरा किसान कर्जदार होता ही नहीं, उसको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन आपका पाप, आपने उस फाइल को दबा करके रखा, किसान को दाम नहीं दिया, एमएसपी नहीं दिया, किसान बर्बाद हो गया, कर्जवार हो गया. ये आपके पापों का परिणाम है. इस फाइल को भाजपा सरकार ने बाहर निकाला और धान सहित 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय किया गया.